हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, मैंने कम से कम 3-4 वीडियोस बना डाली, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो है अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं और 3-3 4-4 बार सेम कमेंट जो है मेरी हर एक GST वाली वीडियो में जाके कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार अब एक फाइनल वीडियो बना दी जाए, मतलब फाइनल नहीं बोलूंगा, हो सकता है इसके बाद एक और वीडियो आए, वो डिपेंड करता है। अगर आप लोग इस वीडियो पे जो है 300 लाइक्स का हम लोग एम रखते हैं, अगर आप लोग 300 लाइक्स कर दोगे तो पक्का जो है मैं पूरी नेक्स्ट वाली वीडियो बनाऊंगा विद प्रूफ, मतलब कि जो पूरा प्रोसेस है वो आपको करके दिखाऊंगा। एक फोन हम लोग जो है परचेज करेंगे, मतलब मैं परचेज नहीं करूंगा, किसी मेरे नोन में जो है किसी ने फोन लेना है तो हम उसको पूरा GST वाले प्रोसेस से करेंगे। लेकिन टारगेट जो है 300 लाइक्स का है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वीडियो पसंद आए या ना आए तब भी 300 लाइक्स करो, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप 300 लाइक्स इसको पहुंचा देना और मैं पूरा प्रोसेस आपको लाके दिखाऊंगा, मतलब पूरा फोन लाके दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने GST क्लेम कैसे किया। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपने अंकल से ले लूंगा GST नंबर, कोई बोलता है अपने फ्रेंड से ले लूंगा, कोई बोलता है कि मेरे पास में ही शॉप है उनके पास GST नंबर, मैं वहां से ले लूंगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्लीज कंफ्यूज मत हो। मैंने बार बार वीडियोज में ये चीज बोली है तो आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जब भी हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमको एक GST नंबर लेना होता है ताकि जो भी टैक्स हम लोगों को जो कस्टमर से टैक्स मिलता है वो हम गवर्नमेंट को पे कर सके। तो वो एक प्रोसेस है जिसके लिए हमको GST नंबर लेना पड़ता है और हमारा जो CA है या फिर हम कभी कभी खुद जो है पूरा जो टैक्स अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो अब क्या होता है, कभी कभी अगर हम पर्सनली कोई चीज परचेज करते हैं तो हमको वो जो टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आइटम्स पे ही होता है, जैसे कि उसमें से एक है आईफोन। तो आईफोन पे जो हमको टैक्स लगता है 18% या हम बोल सकते हैं 28%, अगेन डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। अगर हम अमेजोन से करते हैं तो 28% दिखाता है, नॉर्मली करते हैं तो 18% मिलता है हमको। तो वहाँ पे हमको जो है पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं मिलता, कुछ एक प्रोसेस होता है। आप हर बार भी ऐसा नहीं आपने सब कुछ ले लिया तो आप क्लेम करते रहोगे। तो इसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट को ये दिखाते हैं कि ये जो हम परचेस कर रहे हैं कि हमारा एक एक्सपेंस है हमारे ऑफिस यूज के लिए। तो क्या होता है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत अकाउंट्स पता है या जो लोग थोड़ा कॉमर्स में रिलेट करते हैं तो वो लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कुछ अपने ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाते हैं जिसमें हम अपना GST क्लेम कर सकते हैं और उस क्लेम के अंदर हमको गवर्नमेंट को जो है GST पे नहीं करना होता। तो वो जो GST हमको पे नहीं करना पड़ता वो हमको कैशबैक के थ्रू नहीं मिलता। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि शायद कैशबैक आएगा या बैंक अकाउंट में पैसा वापस आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं पूरा आगे समझाने वाला हूं। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो हम सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कौन कौन GST क्लेम कर सकता है, और कोई जो बोलते हैं कि अंकल से कर लेंगे फ्रेंड से, तो मैं वो पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, पूरे प्रोसेस में हमको जो है GST में कैशबैक नहीं मिलता। सिर्फ इतना होता है कि जो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है वो हमको पे नहीं करना पड़ता। अगर आपके ब्रदर के पास, मदर, फादर, सिस्टर या किसी क्लोज फ्रेंड के पास GST नंबर है जो आपसे बहुत क्लोज है, उसको एडजस्टमेंट का समझ आता है, आप उनके साथ कर सकते हो, तो उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि उनको जो है कोई भी बैंक में कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला। होता क्या है कि आप जो क्लेम करते हो, जो आप करते हो, तो उसमें जब आप अपना सेकेंड टेन्योर में आते हो GST भरने के लिए तो आपको वो उतना अमाउंट GST पे नहीं करना पड़ता। अभी भी आप लोगों को पूरा समझ नहीं आया होगा, वो मैं हम थर्ड पार्ट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ सेकेंड स्टेप में कि ऐसा नहीं है किसी से भी ले लो, किसी के पास भी चले जाओ GST नंबर और आपके बैंक अकाउंट में या उनके बैंक अकाउंट में जो है पैसा वापस आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको जो है अमाउंट वापस मिलता है, जो कैशबैक है वो वापस मिलता है या फिर हमको पे नहीं करना पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको पूरा अमाउंट फ़ोन का पे करना पड़ेगा और आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि भाई फिर पैसे बचे कहाँ से, तो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग कस्टमर से जो है टैक्स लेते हैं और वो टैक्स आगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो क्या होता है, जब हम फ़ोन परचेस करते हैं, हम अपना फ़ोन जो है वो GST क्लेम में डालते हैं, तो जो कस्टमर से हमारे पास इतना सारा टैक्स आता है वो टैक्स उसमें से हमको 18% टैक्स, लेट्स से हमारे पास आए 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये में से 18%, मतलब कि 18,000 रुपीज़ हमको जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। यूजुअली हमको 1 लाख रुपये पे करना था, लेकिन अब हम लोग अपना फ़ोन का क्लेम कर रहे हैं तो 18%
परसेंट जो है हमको बच गया, तो हमको जो है गवर्नमेंट को 1 लाख में से जो है 18,000 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे, तो वो एक तरीके से 18,000 रुपये हमारे बच गए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, बस ये है कि जो भी आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को अपने कस्टमर्स का, उसमें से 18% जो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो एक तरीके से जो है बच गया है। लेकिन अगर हम बात करें दूर दूर के लोगों की कि अंकल है, फ्रेंड है, तो वो आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं करने वाले, की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो और वो ये पूरा प्रोसेस ना समझते हो। और एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कभी कभी इस जीएसटी क्लेम में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस है वो अलग अलग टाइप का होता है, किसी का ग्रोसरी का है, किसी का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो भी क्लेम रहता है कोई होता है 1 महीने बाद, कुछ लोग 6 महीने बाद करते हैं या कुछ लोग 1 साल बाद भी करते हैं, बट यूजुअली जो है सबका 1 महीने में हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि क्या हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जो है जीएसटी क्लेम अमेजोन फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में जो है वीडियो डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पूरे प्रूफ की कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसमें सीए की इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं है, तो मैं पूरा बताऊंगा अगर हमारे 300 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं पूरा एक फ़ोन परचेज करके बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी किसी से बात हो रखी है जिन्होंने फ़ोन परचेज करना है जीएसटी क्लेम के थ्रू, तो मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, चाहे वो अमेजोन फ्लिपकार्ट हो या फिर वो ऑफलाइन स्टोर्स हो। जो आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ऑफलाइन देखना है या फिर ऑनलाइन देखना है। जो भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उस तरीके से जो है बता देंगे इसमें कि हम क्या रखने वाले हैं, इसको ऑफलाइन करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों में जो है सबको बता दो कि पूरा जो प्रोसेस है जीएसटी क्लेम का ये होता है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप मेरे को मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, 3-4 लोग एक ही जगह से जिन्होंने मैसेज किया कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम 4 लोगों को जीएसटी क्लेम ले लें तो क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड्स है सबको ये वीडियो शेयर कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।